हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो नाउ एग्जांपल सिक्स देखते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल फिफ्थ तक स्टडी किया था अब एग्जांपल सिक्स देखते हैं डिटरमाइन एन इफ टू एन सी थ्री रेशो एन सी थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व रेशो वन मीन्स टू एन सी थ्री अपोन एन सी थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई वन आ जाएगा टू एन सी थ्री को हम क्या लिख सकते हैं टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर इन टू एन माइनस आर फैक्टोरियल इसको रिटर्न कर लेंगे एन सी थ्री को क्या बोल सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन इन टू एन माइनस आर देन या ओपन कर देंगे फैक्टोरियल को क्या आ जाएगा टू एन टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इन थ्री फैक्टोरियल अपॉन एन एन माइनस वन एन माइनस टू इस वाली पहले तो हमने टू एन सी थ्री ओपन किया और एन सी थ्री ओपन किया ओपन करने के बाद इक्वेशन को मल्टीप्लीकेशन में कर दिया मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आया ट्वेल्व बाई वन टवेल्व आ जाएगा इक्वल में इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे यहाँ से थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा यह क्या रिमेनिंग होगा फोर एन टू एन माइनस वन एंड टू एन यहाँ से टू कॉमन ले लिया हमने देन ये फोर एन हो जाएगा अपॉन एन एन माइनस वन एन माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेल्व यहाँ से इक्वेशन को इक्वल प्रूव कर लिया ये इक्वेशन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे देन इक्वल इक्वेशन हो जाएगी इक्वल हो होने के बाद एन की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव एग्जाम्पल सेवन्थ देखो इफ एन प्लस टू सी एट रेशो एन माइनस टू पी फोर इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन रेशो सिक्सटीन फाइंड एन एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें एन प्लस टू सी एट अपॉन एन माइनस टू पी फोर इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन अपॉन सिक्सटीन इसको ओपन करेंगे एन प्लस टू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ये ओपन कर दिया और रिटर्न कर दिया सेम एज एन माइनस टू पी फोर एन माइनस टू अपॉन एन माइनस आर कर देंगे यहाँ से इस सिक्वेशन में क्या करेगा एक्स माइनस एन माइनस सिक्स एन माइनस सिक्स कैंसिल आउट हो रहा है इक्वल टू फिफ्टी सेवन अपॉन सिक्सटी है रिमेनिंग क्या होगा एन प्लस टू फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल क्या आ जाएगा एन प्लस टू फैक्टोरियल एन माइनस सिक्स फैक्टोरियल इस वाली टर्म को सेम लिख के इस वाली टर्म को मल्टीप्लीकेशन में करेंगे देन क्या बन जाएगी टर्म एन माइनस सिक्स अपोन एन माइनस टू बन जाएगी एन माइनस सिक्स अपन एन माइनस टू अब हम एन माइनस सिक्स एन माइनस सिक्स कैंसिल आउट कर देंगे रिमेनिंग क्या होगी एन प्लस टू अपोन एट फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन सिक्सटीन या से इक्वेशन को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे देन इक्वेशन क्या बन जाएगी दिस इज इक्वल टू दिस अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इक्वेशन सोल्व करने के बाद क्या आएगा एन प्लस टू एन प्लस वन एन एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या है equation की इक्वेशन की मल्टीप्लीकेशन करेंगे एट का फैक्टोरियल ओपन करते हैं एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू अप टू सोन ये कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल आउट कर देंगे देन रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी दिस तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ अगर हम नाइनटीन नाइनटीन इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू सिक्स फाइव इंटू फोर इंटू थ्री है तो हम ये फैक्टर बना लेते हैं इनके सेवन इंटू थ्री फाइव इंटू फोर नाइन्टीन इंटू सिक्स इंटू थ्री तो हम क्या करते हैं एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी क्या सेम अब यहाँ हम एन की वैल्यू नाइनटीन आ जाएगी एन प्रूव्ड एग्जांपल एट देखो एन सी आर इंटू एन सी एट इज इक्वल टू एन सी एट इंटू एन माइनस एस सी आर माइनस एट हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करने है राइट हैंड साइड के तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं क्या लिख सकते हैं हम एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में इसको हम क्या बोल सकते हैं आर फैक्टोरियल अपॉन एस फैक्टोरियल इंटू एस आर माइनस एस फैक्टोरियल सॉरी बच्चे ये एस है एट नहीं है हाँ लेट सी देखो इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन इसको हम क्या कर सकते हैं एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू में एन फैक्टोरियल अपॉन एस फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस एस फैक्टोरियल हम कर सकते हैं यहाँ से आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू दिस आ जाएगा अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं एन सी एस को क्या बोल सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एस फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एस फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एस फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस एस फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एस माइनस आर माइनस एस फैक्टोरियल या से एन माइनस एस एन माइनस एस कैंसिल आउट हो जाएगा या क्या बचेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एस फैक्टोरियल इंटू आर माइनस एक्स एस फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंज प्रूव्ड एग्जाम्पल नाइन्थ देखो इफ एम इज इक्वल टू एन सी टू एंड एम सी टू इज इक्वल टू थ्री एन प्लस वन सी फोर देन प्रूव करे गए एम इज इक्वल टू एन सी टू है एन सी टू को क्या बोल सकते हैं एन एन माइनस वन टू इंटू वन एन एन माइनस वन अपॉन टू अब एम सी टू को क्या बोलेंगे हम एम एम माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है हमारे पास दिस तो एम की वैल्यू इक्वल टू एन सी टू के है तो एम को हम क्या बोल सकते हैं एन तो यहाँ पुट कर देंगे एन की वैल्यू एम की वैल्यू यहाँ पे एम इन टू एन माइनस टू अपॉन टू इंटू एन एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे अंदर एन एन माइनस वन एन स्क्वेयर माइनस एन माइनस टू अपॉन टू इंटू टू इंटू टू इक्वल टू क्या बन जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन प्लस वन अपॉन एट अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे थ्री इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा थ्री एन प्लस वन एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल तो इसको हम क्या बोल सकते हैं थ्री इंटू एन प्लस वन सी की फोर हैंस प्रूवड एग्जाम्पल टेंथ देखते हैं इफ़ एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स एन सी आर इज इक्वल टू एट्टी फोर एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू वन ट्वेंटी देन फाइंड आर सी टू आर सी टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी नो डैट एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन क्या होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इसको हम क्या बोल सकते हैं एट्टी फोर अपॉन थर्टी सिक्स एटी फोर अपॉन थर्टी सिक्स इसको हम कैंसिल आउट करके क्या बोलेगे सेवन बाई थ्री देन क्या हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करते देगे थ्री आर माइनस थ्री एन माइनस थ्री आर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन आर इज इक्वल टू सेवन आर क्या करेंगे माइनस ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस यही साइड आ जाएगा प्लस का बन जाएगा सेवन और थ्री टेन टेन माइनस के आ जाएंगे थ्री एन माइनस टेन आर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो रिप्लेसिंग आर बाय आर प्लस वन इन इक्वेशन फर्स्ट अब हम क्या करेंगे आर को आर प्लस वन में रिप्लेस कर देगी आर है तो आर की वैल्यू आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन है तो आर प्लस वन डालेंगे तो वन वन कैंसिल हो जाएगा रिमेनिंग आर होगा इज इक्वल टू एन माइनस आर अपोन आर प्लस वन एन माइनस आर आर प्लस वन किसके इक्वल है वन ट्वेंटी सिक्स एट्टी फोर कैंसिल आउट कर के थ्री अपॉन टू आ जाएगा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे टू एन माइनस टू आर इज इक्वल टू थ्री आर प्लस थ्री या से टू आर वाले कंपेयर कर लेंगे थ्री माइनस टू फाइव आर हो जाएगा टू एन माइनस फाइव आर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करके सॉल्व कर देंगे आर सी टू इज इक्वल टू थ्री सी टू इज इक्वल टू क्या जाएगा? R आ जाएगा आर की वैल्यू आ गई हमारे पास थ्री देन इक्वेशन में पुट कर देंगे हमें हाँ किसकी वैल्यू निकालनी थी आर सी टू की तो आर की वैल्यू थ्री है तो थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू थ्री माइनस टू फैक्टोरियल मीन्स एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या जाएगा? 3 2 2 2 2 3 आ जाएगा थ्री इंटू टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल टू से टू कैंसिल इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा हैंस प्रूव एग्जाम्पल इलेवंथ देखो प्रूव डैट एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री अप टू एन प्लस आर माइनस वन अप टू एन फैक्टोरियल इज एन इंटीजर हमें क्या प्रूव करना है कि इज एन इन ये प्रूव करनी है इक्वेशन एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री अप टू एन प्लस आर माइनस वन अपॉन आर फैक्टोरियल क्या बोल सकते हैं अब हम एन प्लस आर माइनस वन एन प्लस आर माइनस टू एन प्लस अप टू सोन एन प्लस टू एन प्लस वन अप टू एन अपॉन आर फैक्टोरियल बोल सकते हैं इस वाली टर्म को फर्स्टली हमने क्या किया एन वाली टर्म को एक्सपेंड किया एन प्लस आर माइनस वन तक जाएगी अब इस वाले टर्म को आगे एक्सपेंड करेंगे देन हमारी एन प्लस टू एन प्लस वन तक जाएगी और एन तक जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं एन प्लस आर माइनस वन एन प्लस आर माइनस टू एन प्लस आर माइनस थ्री अब टू एन प्लस आर माइनस आर भी हो जाएगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा एन प्लस टू हो जाएगा एन प्लस वन हो जाएगा फिर एन आ जाएगा इन टू में एन माइनस वन फैक्टोरियल चलता जाएगा अब में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल या सेमिस्टम को क्या बोल सकते हैं एन प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल इसको हम क्या बोल सकते हैं इज इक्वल टू एन प्लस आर माइनस वन सी आर विच मस्ट बी इंटीजर एज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एन प्लस आर माइनस वन थिंग टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय दिस एंड प्रूव्ड अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर फिफ्थ स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज आप ये लेक्चर देख लेना अगर कोई डाउट आए तो मेरे से कंसल्ट कर लेना